बिल के खिलाफ धार में मुस्लिम समाज ने डिप्टी कलेक्टर को मां महिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, यहां संविधान के हिसाब से देश चलता है। धार में आज मुस्लिम समाज ने डिप्टी कलेक्टर को महामहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि आर्टिकल 14 में स्पष्ट उल्लेख है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यहाँ किसी को भी धर्म के नाम पर नागरिकता प्रदान नहीं की जा सकती है। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा लाया गया नागरिकता बिल संविधान के विपरीत है, जिसे तत्काल निरस्त किया जाए। इस अवसर पर मुस्लिम समाज के लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन जुल्फीकार पठान ने किया।